बोलो इंडिया एक्सप्रेस चैनल के सभी दर्शकों को एक बार फिर बलबीर सिंह आश्चर्य का नमस्कार। और कानपुर नगर के ग्राम धर्मंगतपुर स्थित पंथा देवी दरबार में श्री श्री 108 रक्षानंद सरस्वती उर्फ फक्कड़ बाबा के इस हम धुने में मौजूद हैं। हम जैसा आज अपने धुने में नहीं है, और लेकिन वो यहीं आसपास ही हमारे आसपास कहीं होंगे। चलिए मैं सीधे उनकी तलाश करते हुए, और देखिए वो आज अपनी चौपाल के रूप में अपने कुछ भक्तों के साथ बैठे हैं। देखिए ये भक्त लोग भी उन सबसे सनसनीखेज घटना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन पर गिरफ्तार किया गया है। वो गिरफ्तारी बहुत ही देश की सनसनीखेज घटना है। स्वामी जी मुख्यमंत्री रहते हुए एक ऐसे सुशिक्षित मुख्यमंत्री की जिनकी छवि मानी जाती है अरविंद केजरीवाल की, जो एक बड़े नौकर शाह भी रहे हैं भारतवर्ष के, वो आज गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहेंगे आप? भाई मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, पहले तो इन्होंने घोटाले के पीछे ही अपनी बगावत की थी, और फिर मुख्यमंत्री बने, पदवी मिली, लेकिन उस बगावत उस परमात्मा को भूल गए और स्वयं गद्दी पा करके राजा बन करके समाज को जो आईना दिखाया था उस आईना को त्याग दिया और वही कर्म करने लगे जो चोर वगैरह करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जैसे गुरु पथ प्रदर्शक होता है, किसी भी राजनेता का हो सकता है, किसी भी बड़ी शख्सियत का हो सकता है, तो संत तो वैसे भी सबका गुरु माना जाता है। तो एक अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे, उन्होंने आज कहा है कि जैसा उन्होंने किया है वैसा उनको फल मिला है ना? तो उनके बोले हमें कुछ नहीं कहना, इनको हमने कई बार सलाह दी लेकिन उन्होंने मेरी सलाह को कभी माना नहीं। तो उनके गुरु के इन वचनों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, और इनको मुख्यमंत्री बनाने की देन भी उन्हीं की है, उन्हीं की अन्ना ही हजारे की देन है। बिल्कुल सही है। लेकिन गुरु को त्यागने वाले अब दो तीन मैं बताता हूँ। जैसे पहला शुक्राचार्य की बात को नहीं माना, राजा बलि शुक्राचार्य की बात को नहीं मानी, जी जी, और वही तीसरे नंबर पर इनको देख लिया जाए केजरीवाल को, जो गुरु का अपमान करने वाला होगा तो उसको अवश्य सजा मिलेगी। जी जी, राजा बलि का राज चला गया और प्रहलाद का विनाश हो गया था। जी, और ऐसे ही केजरीवाल ने जो अपने गुरु की बात नहीं मानी है तो उसने का ये अपमान का घूंट पीना और सजा होना ये अच्छा है, बुरा नहीं है, मतलब उनको अपनी करनी का फल मिला। फल मिला। तो चलिए आज उनके कुछ भक्त लोग स्वामी जी के बैठे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो आज का ये गिरफ्तारी का मामला है, आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? आपका? हमारा नाम राजेश अवस्थी है, धर्मंगतपुर ग्राम। आप स्वामी जी के भक्त हैं जी, तो इस दरबार में आपकी क्या भूमिका है? इस दरबार में सेवा करने की भूमिका है। बड़ी अच्छी बात है, आप सेवक के रूप में हैं, और नेता भी अपने आप को सेवक कहता है, केजरीवाल ने भी सेवक कह कह के मुख्यमंत्री का पद पा लिया है ना, और इसके बाद आज वो गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहेंगे वस्तु जी आप? हम तो यही कहेंगे देश की जनता जान रही है
जो पहले भ्रष्टाचार का विरोध करते थे जी, आज वही भ्रष्टाचार के पक्ष में जेल जा रहे हैं जी। तो ये देश की अपनी जनता जनार्दन देख रही है कि क्या थे ये अरविंद केजरीवाल और क्या हो गए जी, जी। और ज्यादा क्या कहना है, तो जनता जनार्दन देख रही है जी, जी। और निर्णय न्यायपालिका करेगी जी, जी। तो आपको न्यायपालिका पर, भारत वर्ष की न्यायपालिका पर भरोसा है? पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा। तो उसका एक्शन तो ये है कि ये आज हाई कोर्ट ने कहा है कि ये आबकारी शराब घोटाले के सरगना है, तो इसका मतलब ये प्रूफ है कि वो सरगना है। प्रूफ ना होता तो ईडी के द्वारा ही कैसे जेल का भेजे जाते, कुछ न कुछ तो प्रूफ आया है। अच्छा, विपक्षी ये कह रहे हैं कि ये ईडी की अनावश्यक कार्रवाई है और इस कार्रवाई पर मोदी सरकार को तमाम आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। तो ये ईडी की कार्रवाई, ये विपक्षी क्या कहेंगे, ये कहते रहेंगे, वो अपनी कार्रवाई करती रहेगी जी, और इनको जेल जाना है तो जाना पड़ेगा। तो आप इस समय जो भ्रष्टाचारियों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है उस पर सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है आपका? मोनू तिवारी। मोनू तिवारी जी, मोनू तिवारी जी, आप क्या कहेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी? जो हो रहा वो अच्छा ही हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि गलत झेलना पड़े? नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप मोदी के भक्त हों इसलिए ऐसा कह रहे हो कि अच्छा हो रहा है? जो जैसा करेगा वो भरेगा। अच्छा हाँ, कोई मोदी थोड़ी ना गलत कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इन लोगों ने गलत किया तो उनको झेलना पड़ेगा। तो मोदी के कार्य से सहमत है? हाँ बिल्कुल सहमत है। अच्छा अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो फिर तो आप कहेंगे कि केजरीवाल जी है भक्त लोगों का, आपने सुना ये इस तरह की बात, मतलब केजरीवाल पर इनकी प्रतिक्रिया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो किसी का भक्त नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त। नहीं, आपके तो सभी भक्त होते हैं। तो और मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ कि अगर आप घोटाले के बारे में अपनी जंग लड़े और जीते जी, तो आपको तो इस पर अंकुश लगाना चाहिए था, और आप उसी कार्य को खुद कर बैठे। एक सरकार को गिरा करके तुमने सरकार बनाई, और फिर सरकार बनाने के बाद उससे बड़ा काम किया घोटाले का। तो आपको तो हम कहा कि वो तो सरकार गिरी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें तो मले ऐसी सजा पानी चाहिए कि दोबारा तुम बाहर निकल ही ना पाओ। महाराज जी, हमारा इस जगह एक सवाल है आपसे कि केवल जो विपक्ष में है वही घोटाले, जितने घोटालेबाज हैं अगर वो विपक्ष में है उन्हीं पे ईडी कार्रवाई करती है, ऐसा सत्ता पक्ष में जितने घोटालेबाज हैं उन पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर के तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो हम अगर साफ रहेंगे तो हमें कुछ भी करेगा कोई नहीं हमको कुछ कर पाएगा। जैसे ममता बनर्जी है, वो भी विपक्ष की नेता है, उसके लिए क्या नहीं किया गया, लेकिन उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाया? क्यों? जो साफ होगा उस पर कोई आंच नहीं आएगी, और जो थोड़ा बहुत उसमें लगा होगा तो उसको पूरी आंच आ सकती है। महाराज जी, इसी जगह एक और सवाल है, क्या अगला नंबर लोकसभा के चुनाव को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का नंबर है या अखिलेश यादव का नंबर है, इस पे आप कुछ कहेंगे क्या? इसमें संशय तो बिल्कुल नहीं है, हो सकता है दोनों लोगों पर नंबर आ जाए। क्यों? कि ये सरकार अपने सभी कार्यों को विशेष रूप से अपने अधिकार में लेकर के चल रही है। किसमें? अधिकार में, चाहे वो मान ले न्यायालय हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीआईडी हो, वो सरकार के अधीन होता है और सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। अच्छा, इसी जगह एक महाराज जी और...